मुफस्सिल थाना अंतर्गत बेहरा अगरशंडा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चयन प्रक्रिया को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की काफी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। और जो भी हमारे यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण हैं और जो वरिष्ठ व्यक्ति और उपस्थित आम सभा स्थल पर पहुंचे सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 6/6/2018 वार्ड नंबर 14 ग्राम अगरसंडा बिनटोली पंचायत अगरसंडा में वार्ड नंबर 14 में एक नए सेविका सहायिका का चयन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सामुदायिक भवन के प्रांगण में आम सभा ये चुनाव किया जा रहा है, बैठक बुलाया गया है, जिसमें हमारे निम्नलिखित इस वार्ड के सभी लोग जनता उपस्थित हुए हैं और इनके सर्वसम्मति से हमारे जो भी सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा उसके ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें हमारे इस वार्ड के आम सभा के वार्ड पंच अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी कारणवश से उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनकी अनुपस्थिति में हमारे पंच जो है उपाध्यक्ष हैं, जो इनकी उपस्थिति में आम सभा का संचालन किया जा रहा है। और जो हमारी ये 2016 के मार्गदर्शिका है, इस मार्गदर्शिका के अनुसार मैं सारे नियमों को बताते हुए आम सभा में सेविका सहायिका का चयन करूंगी और इसी के माध्यम से जो हमारे मूल प्रमाण पत्र है जांच किए जाएंगे, मेगा अंक निकाले जाएंगे और इस वार्ड में नए सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा। जो ये नियमावली मैं पढ़ कर सुना रही हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र से अभिप्रेत है कि ICDS अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गांव टोलों में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से अभिप्रेत है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका सहायिका कार्य हेतु चयनित महिला वार्ड सदस्य पंच से अभिप्रेत है। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड सदस्य पंच वार्ड की आम सभा से अभिप्रेत है किसी वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु एक आहूत बैठक बुलाई गई है, जो कि आज यहाँ हम लोग इस सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 14 में ये एक बैठक बुलाए हैं। वार्ड के आम सभा के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्त महिला पुरुष की संख्या कम से कम 2/3 व्यक्तियों की उपस्थिति, चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के सदस्यों में से 2 सदस्यों की उपस्थिति लेकिन सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अभी जो हमारे यहाँ मामला आया है, 2 सदस्य हमारे 3 सदस्य ये आम सभा के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य पंच रहेंगे, पंच हमारे वार्ड सदस्य अध्यक्ष रहेंगे, पंच हमारे उपाध्यक्ष और महिला पर्यवेक्षिका यानी मैं इस सभा की सचिव रहूंगी। बहुल वर्ग से अभिप्रेत है कि आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र अंतर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग जाति समूह, जिसे बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सहित तथा सामान्य वर्ग अल्पसंख्यक सहित, ये हमारे जाति वर्ग ये वर्ग बहुलता है। चयन समिति से अभिप्रेत है कि किसी वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु गठित 3 सदस्य समिति, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य अध्यक्ष रहेंगे, वार्ड पंच उपाध्यक्ष, संबंधित महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव शामिल है। पोषक क्षेत्र से अभिप्रेत है कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र का पोषक क्षेत्र और इसमें मैपिंग पंजी में शामिल परिवारों का ही घर होगा, जो हमारे वार्ड है 14 नंबर, इसी पोषक क्षेत्र से हमारी सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा, जो कि पूर्व में आवेदन दिया गया होगा, उसी आवेदन के आधार पर यहां आम सभा में सेविका सहायिका का चयन होगा। पोषक क्षेत्र से ये मैपिंग पंजी से अभिप्रेत है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचनाओं का सृजन एवं संधारण, किसी आंगनबाड़ी केंद्र की मैपिंग संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड की मतदाता में सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में निम्न वर्णित
प्रपत्र में घर घर जाकर सूचनाओं का सृजन किया जाएगा और मैपिंग के क्रम में किसी भी परिस्थिति में वार्ड की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है। जो इस वार्ड का मैपिंग हमारे पूर्व महिला पर्यवेक्षिका मीरा कुमारी द्वारा किया गया है, उस इस वार्ड में हमारे अंतिम मतदाता सूची के अनुसार घर घर जाकर उन्होंने मैं सर्वे की होंगी और उसी सर्वे के अनुसार यहाँ पर मैपिंग का प्रकाशन किया गया होगा और उसी मैपिंग के प्रकाशन के बाद आवेदन दिया गया और उसी आवेदन पर यहाँ सेविका सहायिका का चयन किया जाएगा। सेविका सहायिका के लिए उम्र आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी, जिसका मूल प्रमाण पत्र उनके द्वारा आम सभा में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयनित आंगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक की कार्य कर सकेगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। जो हमारी सेविका सहायिका का चयन होगा उनका न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए और 60 वर्ष के बाद स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सेविका का चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष, अतिरिक्त विषयों को छोड़कर जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई है, उत्तीर्ण योग्यता होगा मैट्रिक पास। इंटर बीए जब की होगी तो भी उनका उस पर अंक नहीं मिलेगा, केवल मैट्रिक पर ही मेगा। 2018 को ग्राम पंचायत अगर सेंडा सामुदायिक भवन के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आम सभा किया गया है। इसमें नियमानुसार जो अभी कोई भी जो नियमानुसार जिनका होगा वो सही से होगा, ओकरा में कोनो तुटुम है गलत एगो काम ना हो, चाहे जीवन भी जे भी चुनाई सही चुनाई आई है जा और सब ठीक है बा। आंगन में सेविका में भी देखा जाए कि कुछ लोग हंगामा कर देते हैं। हाँ, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका खाती हमने के वार्ड अध्यक्ष के अब कह देने कौना कारण बस वो कहूँ चल गई बड़ी, लेकिन उनका अनुपस्थित में हमनी के पंच साहब बने उनके अध्यक्षता में यह आम सभा के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चुनाव होता। कितने लोग अभी तक चयन किया होगा मोटा मोटी लमसम बता दीजिए। अभी कहा कोई के चयन, अभी तो चयन हो अब जकर हो सकर हो, अभी तो कोनो चयन भइल नहीं है, अभी तो बाद में के काम बतोरे दे रहम तो वो हो जाए जो है चुना गई ली। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री राज कोकिल प्रसाद अगरसंडा पंचायत मुखिया संडा के वार्ड नंबर 14 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए हम लोग आम सभा बुलाए हैं और उसी को चयनित करने के लिए सभी आम सभा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शुद्ध रूप से जो अच्छा होगा जो चयन में जिनका मार्क नंबर बेसिस पर किया जा रहा है जिनका अच्छा नंबर आएगा उन्हीं को चयनित किया जाएगा। कुछ लोग देखा जाए आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए कुछ लोग हंगामा नहीं कुछ लोग हंगामा नहीं कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि यहाँ पर कम से कम वार्ड सदस्य हमारे नहीं है, वो कहीं कारणवश तबीयत खराब होने के लिए चले गए हैं और इसीलिए वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन वार्ड सदस्य नहीं रहने पर भी हमारे उपाध्यक्ष पंच जी हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर होगा और मुखिया जी भी है, हम मुखिया है अगर संडा पंचायत के, हम लोग सभी उपस्थित हैं और सभी सदस्य भी यहाँ। कुछ लोग कहना है कि पैसा देकर चयन भी किया जाएगा। गलत बात है ये, तो ये सब गलत बात है, ऐसा बात नहीं है, सब अच्छा से सही तरीके से ढंग से हो रहा है। नाम बता दीजिए। अर्जुन सिंह, उप मुखिया, ग्राम पंचायत।